आप देखेंगे लाइव कि ये जो पैरालिसिस होता है, इस पैरालिसिस में हाथ बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, उंगली एकदम ऐसे हो जाती है स्प्रिंग, और हम बार बार उसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे फिर वो ऐसे हो जाएंगी। आप अभी देखिए कि ये पैरालिसिस पेशेंट का हाथ होता है। अब इस हाथ में हमने क्या करना है कि इसकी स्टिफनेस बिल्कुल जीरो हो जाए। आप एक चीज और देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति पैरालिसिस में ज्यादा पाए जाते हैं जिन व्यक्तियों के कंधे में यहाँ पर गैप आ जाता है, भयंकर गैप आ जाता है ये वाला। जब तक ये गैप संपूर्ण नहीं भरेगा, जब तक ये हाथ आगे का काम नहीं करेगा, पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जिस दिन होती है उसी दिन से हमें पांव के साथ साथ हाथ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जितना पांव की और शरीर की एक्सरसाइज कराते हैं उससे चार गुनी ज्यादा एक्सरसाइज हमें हाथ की करानी चाहिए, तब ये हाथ जाके ठीक होता है। इस पर अगर हम कम ध्यान देंगे या हम इस पर कम दिमाग लगाएंगे तो ये प्रॉपर स्टार्ट नहीं रहेगा, और ज्यादातर व्यक्तियों की हाथ रह जाते हैं और वो इसी तरीके से रह जाते हैं। ये जो हाथ है इसकी क्रिया देखेंगे कि आप, ये जो हाथ है ये हमने ऐसे किया, ये देखिए किया, फिर ये थोड़ी देर के लिए सीधा हो जाएगा, लेकिन फिर आधे घंटे बाद ये ऐसे अपने आप मुड़ जाएगा, ये अपने आप ऐसे मुड़ के रह जाएगा। इसको हमने लूज करना है तो हम इसको यहां से लूज करेंगे, इस जगह से लूज करेंगे, इस जगह से, ये जगह से। आप ध्यान से देखिए कि इसमें मसाज भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो मसाज इसमें नीचे से ऊपर करनी है। इस टेढ़े हाथ की अगर आप मसाज करेंगे तो इसमें बेनिफिट होने के बहुत कम चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर बेनिफिट रहेंगे। अगर आप इसकी व्यक्ति को लिटा के हाथ को सीधा करके इस तरीके से और पूरे हाथ को सीधा करके ऐसे मसाज करेंगे तो इसमें बेनिफिट होने के ज्यादा चांस रहते हैं। यह एक ऐसी प्रोसेस है कि इसको दिन में हम 7 से 8 टाइम करेंगे, मसाज नहीं एक्सरसाइज को, तब जाके ये पूरा रिलैक्स होगा और धीरे धीरे हमारे हाथ को सीधा रहने की आदत पड़ेगी। नहीं तो अगर दिन में 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में भी हमने एक बार से दो दिन छोड़ के भी अगर हमने किया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, कम बेनिफिट होता है, और यह हाथ ऐसे का ऐसा ही रहता है। आप अभी देखिए कि ये जो हाथ है, अब हमने क्या करना है कि इस पे लग जाना है। लगना मतलब है कि बोलते ना कि इसको हमने जब तक ठीक नहीं करना, जब तक ये शांत नहीं बैठना है। ये जो हाथ है, ज्यादातर व्यक्ति के जिस साइड में पैरालिसिस होता है उस साइड का एरिया बिल्कुल डैमेज हो जाता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में दोबारा वो चलना सीखता है, ऐसी पैरालिसिस में जो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सेंस खत्म हो जाता है, उसको दोबारा उसी तरह से हमें चालू करना होता है। तो इसमें हाथ की जो प्रथम एक्सरसाइज है, जब हाथ थोड़ा बहुत सेटलमेंट होने लग जाता है, ठीक होने लग जाता है, तो उसके बाद हमने क्या करना है। चलिए पहले वाली दिखाइए, ऊपर वाली ऐसे कीजिए, कीजिए ऊपर पूरा ऐसे, देखिए ऐसे इस तरीके से देखिएगा। इस हाथ को हमने करना कैसे, ऐसे घुमाइएगा, हाँ घुमाइए, कीजिए टाइट पकड़िए और लेके जाइए, ये देखिए ऊपर कीजिए, दर्द बहुत होता है, टच करते इसमें दर्द होगा, हाँ जी दोबारा कीजिए, ऐसे कीजिए उसको, ऐसे ऐसे नहीं करना, कीजिए, करना है सर, ये तो करना ही पड़ेगा, एक दिन दो दिन तीन दिन से करना पड़ेगा। चलो पहले पकड़ो टाइट और ऐसे कीजिए, कीजिए ये आप देखिए, बस ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाना, ऊपर कीजिए, अभी कीजिए कीजिए ठीक है, अभी आप इसको ऐसे, चलिए कीजिए, अब ऐसे सीधा कीजिए, मिनिमम 20 से 30 बार, 50 बार ऊपर, मिनिमम 50 बार, आप इसको ऐसे कीजिए, इस तरीके से ऐसे कीजिए, नहीं ऊपर नहीं, सामने कीजिए, कीजिए सामने, लाइए सामने, लाइए सामने, लाइए सामने, सीधा कीजिए, देखिए अब ये जो दूसरी क्रिया, ये देखिए ये क्रिया, जब तक ये इस क्रिया को नहीं करेंगे, जब तक इस हाथ की पूरी मसल्स नहीं खुलेंगी, ये संकुचती ही रहेंगी, स्टिफ रहेंगी। चलिए कीजिए, कीजिए, एक दो, अगर ये नहीं कर पा रहे तो उसमें हम भी अपने हाथ से कर सकते हैं, ये देखिएगा, एक देखिए कितना कड़क हाथ है, देखिए स्प्रिंग है, पूरा स्प्रिंग, दो तीन, और ऐसे नहीं तो हम इसको इस हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है, घुमाइए जी, छोड़िए इस हाथ को, घुमाइए,
ये बिल्कुल कड़क है। अभी आप पीछे पीछे लेके जाइए दोनों हाथ, ऐसे घूमिए घूमिए, पकड़िए दोनों हाथों को, ऐसे नहीं ऐसे पकड़िए, हाँ टाइट पकड़िए टाइट, ये देखिए। अब इस हाथ को बाहर की तरफ तो ये कर नहीं पाएंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 3 क्रिया हैं। पहली देखिए 1 2, फिर ये दूसरी, फिर ये देखिए 1 2 3, ये बहुत बेहतरीन क्रिया है। अभी हाथ दिखाइए मुझे, चलिए मत आप हाथ उठाइए उठाइए, ये बहुत स्टिफ है इसीलिए हाथ उठ नहीं पा रहा। कहाँ जा रहे हैं? आइए नीचे आइए जमीन पे आइए। देखिए अब आगे क्या करना है, ये देखिए अगर हमने इस हाथ को ऐसे रखा, आप लेट रहिए, अब हम ऐसे इसको करेंगे तो ये देखिए कि कितना कड़क, ऐसे पकड़ने पे ऐसा लगेगा जैसे हम किसी डंडे को पकड़ रहे हैं, लाठी को पकड़ रहे हैं। ये देखिए अब इसमें हमने अगली कैसे एक्सरसाइज करनी है, 1 2, ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देख रहे हैं आप ये कैसे डंडा जा रहा है, ये देखिए भयंकर डंडा, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। अब इन सब को करने के बाद में हमने इस हाथ को ले लेना है, ये देखिए पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, खूब 20 20 30 30 बार, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप अभी देखिए इसको पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये भयंकर दर्द होता है इसमें। अब आगे इसको हम इसको परमानेंट ऐसे रिलैक्स रखने के लिए क्या करना है, पेट के बल लेटिए जी उल्टे, ये जिसकी स्टिफनेस हमें खत्म करना है ये क्रिया हमें करनी पड़ेगी। अब ऐसे जिस व्यक्ति का हाथ बहुत टाइट है उसको ऐसे आराम से लिटाइए, ये पूरे में क्लॉकवाइज कीजिए। जब तक आप ये क्लॉकवाइज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि हाथ बिल्कुल लूज नहीं रहेगा। ये सारा इस कान को आपने धीरे 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 इस कान को खींचना है, ये देखिए धीरे 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 धीरे, ये पूरा ये क्लॉकवाइज करना है, ये सारा ये पूरा एरिया क्लॉकवाइज करना है, सारा एरिया क्लॉकवाइज करेंगे तो स्टिफनेस टूटेगी। और टूटने के बाद में फिर हमने क्या करना है कि इसको मलना है, पूरा मलना है ऐसे इस तरीके से सीधे हुई। देखिए अभी अब जब तक इस गर्दन की स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, यहां से इधर आइए इधर से, जब तक इस साइड की गर्दन की स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे ये पेरिया पूरा यहां तक सेटल नहीं होगा। देखिए छोड़िए जी जिला, ये देखिए ऐसे रखिए अपना, ये देखिए कितना दर्द है, ठीक है ये देखिए हमने उतनी स्ट्रेचिंग करनी है जितना सहन कर सके, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इस गर्दन को गोल गोल घुमाइए जी, पूरी पूरी सरकार पूरी ऐसे जाइए इधर से, ठीक है अब इधर से, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो इलाका है ये वाला, इसको घिसिए पूरा, जब तक यहां से और यहां तक इस वाले एरिया को हमने सॉफ्ट नहीं करेंगे जब तक ये पूरा सॉफ्ट नहीं होगा। दिखाइए ये जिस हाथ में पैरालिसिस होता है उसी हाथ में पूरी एक्सरसाइज हमें करनी होती है, मसाज एक्सरसाइज न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट साथ में फिजिकली एक्टिवेशन, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में उनको काउंसलिंग करके उनके अंदर एक्टिविटी को बढ़ाना होता है और ये चीज़ 100% क्योर हो जाती है 100%। कई बार तो ऐसा लगता है जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पैरालिसिस वाले बोले यार इसको कोई पैरालिसिस हुआ ही नहीं था, जैसा था सेम वैसे ही। तो आप भी
जिस किसी को भी पैरालिसिस हुआ आपके घर में, तो उसको ये बोलिए और उसको एक्टिवेट कीजिए कि नहीं भाई तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो, वो आपसे लड़े, कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन वो करना पड़ेगा।